गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? टुडे आई टीच इंग्लिश ग्रामर। यस, लेसन 15 वन एंड मैरी। ये लेसन का नेम है वन एंड मैरी। इस लेसन में हमने वन एंड मैरी का मीन्स भी होता है एक या एक से ज्यादा। और यहाँ पर हमने आपको क्या पढ़ाया था इस लेसन में, सिंगुलर एंड प्लूलर, वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सिंगुलर एंड प्लूलर। एंड प्लूलर पढ़ाई थी, एस या ई एस का यूज एंड ई एस का यूज। और जैसे फर्स्ट क्लास में तो सिर्फ एस और ई एस का ही यूज मैंने आपको पढ़ाया था, आज मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ा रही हूँ, सेकंड क्लास में जरूर इसमें प्लूरल बनाने के वी एस आई एस ये सब पढ़ाया था। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एस और ई एस का ही यूज पढ़ाया है। और इसमें क्या है कि मैंने आपको पिछली बार एक्सरसाइज 3 कराई थी, उसमें भी सिंगुलर और प्लूलर कहां पर सिंगुलर आएगा ये कराया था। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्लूलर ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्लूलर। करेक्ट प्लूलर हमें भरना है और जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो वहां से लेना है और जो फिल करना है उसमें करेक्ट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्लूलर ऑफ द वर्ड, ब्रैकेट से हमें वर्ड लेकर करेक्ट प्लूलर बनाना है और वो हमें फिल करना है सेंटेंस में। ये हमने पिछली बार एक्सरसाइज में आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4 कराऊंगी और उसमें क्या है, 4 में चूज एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ईच पेयर इन द ब्रैकेट्स। हमें क्या करना है कि हमें करेक्ट वर्ड, यहाँ पे देखो नीचे दिया हुआ है, एक सेंटेंस पढ़ के हम आपको बताते हैं। मेघा है इनवाइटेड हर, फिर क्या है ब्रैकेट में दो वर्ड दिए हुए हैं फ्रेंड और फ्रेंड्स, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया है, ब्रैकेट के बाद फॉर हर बर्थडे पार्टी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि ब्रैकेट्स में सिंगुलर वर्ड और प्लूलर नेम वर्ड्स दोनों दिए हैं, सिंगुलर और प्लूलर दोनों ही वर्ड दिए हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आएगा, सिंगुलर आएगा या प्लूलर आएगा। तो मेगा हैज इनवाइटेड हर, फिर दो वर्ड दिए हैं फॉर हर बर्थडे पार्टी। मेघा ने अपनी बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, तो फ्रेंड आएगा या फ्रेंड्स क्या आएगा यहाँ पर, देखिए मेघा है इनवाइटेड हर फ्रेंड या फ्रेंड्स। तो जो भी हमें यहाँ पे फिल करना हो, मतलब कह रहे हैं इसमें फिल नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है सर्कल करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेघा ने अपनी फ्रेंड्स को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। आप यहाँ पे फ्रेंड्स आ गए। नंबर 2, हर फ्रेंड्स ब्रॉट मैनी गिफ्ट या गिफ्ट फॉर हर, इसमें क्या है हर फ्रेंड्स ब्रॉट, हर फ्रेंड्स मीन्स उसके फ्रेंड्स, ब्रॉट मीन्स लाए, मैनी गिफ्ट, गिफ्ट मैनी मैंने बहुत सारे। तो हमने आपको बताया था एक चीज जो होती है वो सिमिलर होती है, एक के बाद दो हो या कितनी भी हो
वो प्लूलर होता है। तो मैनी शब्द ऐसा है, मैनी वर्ड यहाँ पर ऐसा है जो हमें बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे लिप्स हैं। तो हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स ब्रॉड मैंने लाए, मैनी मैंने बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, गिफ्ट होता तो एक गिफ्ट होता, मैनी है तो बहुत सारे गिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे गिफ्ट्स में वो लगेगा, सर्कल आएगा। तो इसका क्या मतलब है, उसके फ्रेंड, इसके फ्रेंड, मेगा के फ्रेंड, ब्रॉड मीन्स लाइट, मतलब उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स। गिफ्ट्स मीन्स उपहार। ये ब्रिन का सेकेंड फॉर्म है ब्रॉड। थ्री नंबर, हर मदर, उसकी माँ बेक डे, उसकी माँ बेक डे, बेक डे माने, बेक माने जो हम केक को बेक करते हैं, केक को पकाने को हम इंग्लिश में बेक बोलते हैं, पकाने को बेक बोलते हैं। तो हर मदर, उसकी माँ, मेगा की माँ है इसलिए हर आया यहाँ पे। तो हर मदर बेक डे केक फॉर द पार्टी, उसकी माँ ने। अब यहाँ पे क्या है कि ई लगा है ना, अब आपको कहाँ से पता चलेगा कि यहाँ सिंगलर आएगा या प्लूरल आएगा, तो यहाँ से पता चलेगा एक केक बेक किया। तो यहाँ पे सिंगलर आएगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा जिससे आपको एक और अनेक का पता चल जाएगा, सिंगलर एंड प्लूरल का पता चल जाएगा। एक एक। फोर नंबर, हर फादर पुट मैनी बैलून्स, उसके पापा ने बहुत सारे बैलून्स क्या किए, उसके पापा ने बहुत सारे बैलून्स एंड स्टीमर्स से क्या किया, पुट किए, लगाए। उसके पापा ने मैनी, मैनी से आपको क्या पता चला, मैनी से आपको पता चला कि यहाँ पे एक बैलून नहीं है, बहुत सारे बैलून है, बहुत सारे बैलून से बैलून्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्कल। एंड स्टीमर, एंड स्टीमर्स, तो स्टीमर आएगा या स्टीमर्स, मैनी शब्द है तो वो बैलून के लिए भी आया है और स्टीमर के लिए, स्टीमर्स के लिए भी आया है। बैलून्स तो गुब्बारे होते हैं, स्टीमर्स होती है कोई पानी की तरह चीज होती है, उससे सजावट करते हैं पार्टी में, तो सजावट ही के काम होगा, मतलब एक तरह से झरना नहीं कहेंगे लेकिन उसी टाइप की कोई चीज होती है जो, जिसको हम स्टीमर्स बोलते हैं, पानी से संबंधित। तो ये स्टीमर्स, इन द रूम, इन द रूम, इसका एंड क्या है, इन द रूम, आर डबल ओ एन, रूम। अब यहां पर क्या है कि फोर नंबर जो है, हमने आपको ये नंबर सिर्फ इसलिए डाले हैं, वैसे तो इसमें पूरा पैरा है, ग्राफ है, लेकिन आप फर्स्ट क्लास के बच्चे हो, अभी पैरा में जो पढ़ अगर समझते होते तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती, इसीलिए ये नंबर वन नंबर टू सेंटेंस के हिसाब से मैंने यहाँ पे वो डाल दिए हैं नंबर, ये आपकी बुक में नहीं है, नहीं सोचो मैम ने ये नंबर कैसे डाल दिए, एक सेंटेंस का एक नंबर हमने डाला है और ये इसीलिए डाला है सिर्फ आप लोग को इजी हो जाए। तो आप देख लीजिए, इसका मैं पिक्चर भी भेजूंगी और यहाँ पे समझ भी लिया होगा कि सिंगलर और प्लूरल की यही पहचान है कि जैसे ए और मैनी, फ्यू, इस टाइप के कुछ शब्द होंगे जिनसे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें सिंगलर यूज करना है या प्लूरल। अभी ये पैरा आपका है, इसमें थोड़ा सा और बकाया है, वो मैं आपको कराई देती हूँ।
आपने 4 नंबर तक कराए थे, ये 5 नंबर का सेंटेंस है। हर फ्रेंड्स played many M-A-N-Y played many games, games and game. Lots of L-O-T-S. Of tasty. Tasty. T-A-T-Y. Tasty. Snake. S-N-A-K-E. Snakes. तो यहां पे क्या है, देखिए ये 5 नंबर एक और है, इसमें क्या है, हर फ्रेंड्स प्लेड मैनी गेम्स गेम एंड एट लॉक्स टेस्टी स्नैक। स्नैक्स होते हैं, स्नैक होता है खाने की चीजें, नाश्ते टाइप चीज, जैसे बर्गर पिज्जा और भी कई चीजें, मिर्ची वड़ा समोसे, इस टाइप की चीजों को हम स्नैक्स बोलते हैं, जो नाश्ता बोलते हैं। एस एन ए सी के एस स्नैक्स, स्नैक जहाँ पे एस नहीं है वो सिंगुलर है और जहाँ पर एस है वो प्लूलर है। हर फ्रेंड्स प्लेड मैनी गेम्स गेम एंड एट लॉट्स, तो उसके फ्रेंड ने प्लेड खेले बहुत सारे मैनी, अब मैनी एक होता है ज्यादा, मैंने कई बार आपको पहले बताया मैनी माने बहुत सारे, बर्ड स्पिनिंग में भी लिखाया, इधर भी ग्रामर में भी बताया, तो जब बहुत सारी चीजें तो गेम आएगा या गेम्स आएगा, आप बताओ बच्चों, यहाँ पर गेम्स आएगा, आपको पहले बता चुकी हूँ ना, मैनी जहां पर लगे वहां पर गेम्स आएगा, तो गेम्स पे ये कर देंगे सर्कल, चूज एंड सर्कल, सर्कल चूज करिए ब्रैकेट से करेक्ट वर्ड और फ्रॉम ईच पेयर इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में सर्कल करना है। एंड एट, ये यही सेंटेंस है, एंड से जुड़ा हुआ है, एंड एट, एट मीन्स खाना, एट लॉट्स टेस्टी स्नैक, स्नैक एंड स्नैक्स, स्नैक क्या होता है वो नाश्ता टाइप होगा जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, और यहाँ पे मैनी क्या हमें बता रहा है, मैनी हमें बता रहा है कि स्नैक्स बहुत सारी चीजें हैं,
स्नैक में ना लग के प्लूलर में लगेगा, प्लूलर स्नैक से जहाँ पे एस लगा हुआ है, सिंगुलर प्लूलर में एस या ई एस का यूज करते हैं। तो मैनी स्नैक्स, बहुत सारे स्नैक्स। तो ये आपका लेसन 15 में एक्सरसाइज 4 फिनिश हुई, और ये आज आपका एक्सरसाइज लेसन 15 फिनिश हुआ। यहाँ पर 4 एक्सरसाइजें थी। अब हम आज आपको, अब ये है 16 नंबर, इसके लेसन 16। ये आपको दोनों चीजें जो है बुक में भी करनी है, सर्कल लगाना है और नोटबुक में भी करना है। लेसन 15 की सारी एक्सरसाइज है, 4 नंबर एक्सरसाइज उसमें भी करनी है, नोटबुक में भी और बुक में भी, दोनों ही करना है। लेसन 16 थोड़ा सा इसका मैं करा देती हूं। मेंस लेसन 16 में क्या है, जेट एंड डी, जेट एंड डी तो उन्होंने एक ये लगा दिया है नाम, जैसे जेट एंड डी एक राइम्स है, लेकिन इसका सही मायने में जेट J-A-C-K and G, J-I-L-L, ये क्या है, जेंडर, कौन सा सिंबल है, जेंडर, G-E-N D-E-R, जेंडर क्या होती है, लिंग, लिंग भेद। जेंडर होता है लिंग भेद, जेंडर में जैसे आदमी औरत, मैन वुमेन, ये जेंडर होता है। अभी आप फर्स्ट क्लास के बच्चे हो तो आपके लिए नई चीज है जेंडर, लेकिन ये क्या है, लिंग। भेद, लिंग भेद मीन्स आदमी का लिंग अलग है, औरत का अलग है। ये आप यहां पर आ रही हूं आपको सिर्फ इसकी मेल्स और फीमेल्स के बारे में बताते हैं। जेंडर कितने होते हैं, 2, मेल्स एंड फीमेल्स। D-E-R नंबर 1 M-A-S
I-N-E. Masculine gender, G-E-N-B-E-R. Masculine gender. Two types gender, P-Y-P-E-S. J-E-N-D-E-R, two types gender. Oh, sorry, G-E-N-D-E-R, G-E-N, gender. तो स्पेलम कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं? इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ. मेल्स, यही से लिख देती हूँ जिससे फीमेल का भी आ जाए. मेल्स, एम ए एल ई एस. मेल्स मीन मैन. N-I-N-E, masculine gender, G-E-N-D-E-R, masculine gender. Masculine gender, males माने men, males जो है वो कौन सा है? Men, आदमी. Are said to be masculine gender. हम masculine gender किसको कहते हैं? Males, जो आदमियों का होता है ना. और टू नंबर हेमिन जेंडर, एफ ई एम आई एन आई जेंडर, जी ई एन डी ई आर. फेमिन जेंडर, फेमिन जेंडर किसका होता है? फेमिन फीमेल, फीमेल औरत लड़की कुछ कोई भी होता. और मेन आदमी, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर, ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर. तो फेमिन जेंडर, फेमिन जेंडर क्या होते हैं? फेमिन जेंडर में लिखेंगे हम फीमेल्स, एफ ई एम ए एल ई एस. फीमेल्स मीन्स वुमेन, डब्ल्यू ओ एम ई एन. वुमेन मीन्स औरत, गर्ल्स कोई भी हो सकता है. आर सेड, आर सेड टू बी फेमिन, एफ ई एम आई एन आई एन ई जेंडर, जी ई एन डी ई आर जेंडर, फेमिन जेंडर. तो ये क्या है? फेमिन जेंडर, फेमिन जेंडर का मतलब है औरत से, उसको हम फेमिन जेंडर कहते हैं. और ये फेमिन जेंडर हम शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन उसका सही वो जो, अगर वैसे बहुत सारी चीजें होती है ना कि हम फेमिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, लेकिन इसको सही वैसे पढ़ो तो ये होगा फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर होता है इसका प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, अब हम आज इसके एग्जाम्पल वगैरह और लिखवा भी देंगे, तो बाद में लिखा देंगे. और आज के लिए इतना ही. आपको मैंने लेसन 15 में जो एक्सरसाइज कराई है, एक्सरसाइज 4, वो आपको कंप्लीट करनी है. फिर जब 16 स्टार्ट करना, तो ये वाला आप स्टार्ट करेंगे. लेसन नंबर डाल के अलग पेज से, ये नहीं उसी में सब कर लो. ठीक है.
ओके, थैंक यू।